इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर प्रशासन हुआ सख्त, भारी मात्रा में विदेशी शराब एवं तस्कर को किया गिरफ्तार। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर पुलिस चेक पोस्ट सनहोला मोड़ के निकट जगदीशपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस मार्ग से शराब की बड़ी खेप गुजरने वाली है। इसी को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान जब पिकअप वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली गई तो चोकर तथा मूरी मसाला के बोरों के बीच छुपाकर रखी गई 24 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो यह शराब की खेप झारखंड से लाई जा रही थी और इसे पूर्णिया ले जाया जा रहा था। भागलपुर पुलिस के द्वारा पूर्ण शराबबंदी अभियान के तहत लगातार शराब व्यवसायियों के विरुद्ध तथा शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। विशेष करके शांतिपूर्वक चुनाव को मद्देनजर शराबबंदी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यह सूचना मिली कि भागलपुर के रास्ते भारी मात्रा में विदेशी शराब कुछ लोग ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए SHO जगदीशपुर को निर्देशित किया गया और उनके द्वारा अपनी टीम के साथ जब छापेमारी की गई तो 64 कार्टून में 1536 बोतल विदेशी शराब, जो कि कुल मिलाकर 576 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया है तथा दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम नीतीश कुमार तथा चिंकू कुमार है और दोनों मधेपुरा जिला के रहने वाले हैं। ये बुलेरो पिकअप वाहन से ले जाया जा रहा था और ये चुकर और मूढ़ी से के सामान से ये ढका हुआ था, छुपाया हुआ था और उसके ऊपर त्रिपाल डाला हुआ था। तो चोरी छुपे शराब लेकर के जा रहे थे, परंतु भागलपुर पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए वो बरामद की शराब की बरामदगी की गई है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ उनसे की जा रही है और जो भी उनके साथ जो लोग इस में संलग्न है उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।